बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लास्ट टाइम हमने हीट इंजन को डिस्कस किया, तो उसमें यह है कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, 1 - QL/QH। तो इसमें यह है कि जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। एफिशिएंसी 100% होने के लिए QL जो है वो 0 होना चाहिए। जब QL हमारे पास 0 होगी तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 100% होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हीट इंजन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से QH अमाउंट ऑफ हीट ले और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, और QL जो है वो हमारे पास 0 हो और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कोई हीट ना आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमारे पास जो इंजन होगा वो परफेक्ट हीट इंजन होगा जिसमें QL हमारे पास 0, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम केल्विन स्टेटमेंट जो है इसको डिस्कस करेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट्स दिस हीट इंटायरली इनटू वर्क। कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लें और उसकी तमाम अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। ऐसा हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट है और इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अगर इस तरह से हो जाए तभी जो है हमारे पास हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी। दिस लॉ टेल्स दैट टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन। तो जैसे कि हमने हीट इंजन पहले डिस्कस किया कि हीट इंजन में हमारे पास क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसको हम सोर्स कहते हैं, और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसको हम सिंक कहते हैं, और इनमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हमारे पास आइडियल गैस है। इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, यानी सोर्स से सिंक की तरफ हीट फ्लो करती है। और जब हीट फ्लो करती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेनिंग जो हीट है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में चली जाती है। द हॉट बॉडी इज कॉल्ड द सोर्स वाइल द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड सिंक। द वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट फ्रॉम सोर्स कन्वर्ट अ पार्ट इनटू वर्क एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एक्सपेल्ड टू एनवायरमेंट। और ये हमारे पास एफिशिएंसी है हीट इंजन की, जो ऑलरेडी हम ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 - QL/QH। दिस इज हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज हीट एक्सपेल्ड टू सिंक। द एग्जॉस्ट हीट कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। तो इसमें यह है कि जो QL है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर QL 0 होगी तो इट मीन्स कि सिंक में कोई हीट नहीं जा रही और तमाम जो हीट है जो हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ली वो सब कन्वर्ट होगी यूजफुल वर्क में। सो फ्रॉम अबव रिलेशन वी सी दैट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%। केल्विन आल्सो स्टेट्स सेकेंड लॉ इन अनदर फॉर्म, देर आर नो परफेक्ट हीट इंजन। तो अब ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एक केल्विन स्टेटमेंट है और एक क्लैसियस। तो ये केल्विन हमारे पास कहता है देर आर नो परफेक्ट हीट इंजन, एक ये स्टेटमेंट है, एक ऑलरेडी हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हीट को हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लें और उसको टोटली वर्क में कन्वर्ट कर दें। और ये सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है केल्विन की ही, अदर फॉर्म है हमारे पास देयर आर नो परफेक्ट हीट इंजन, कि ऐसे हीट इंजन एग्जिस्ट ही नहीं करते कि जिसमें हमारे पास सिंक ना हो और तमाम जो हीट है उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर दें। अकॉर्डिंग टू परफेक्ट हीट इंजन ऑल द हीट extracted from the source is entirely converted
into work. कि तभी हमारे पास हीट इंजन परफेक्ट होगा, उसकी एफिशिएंसी 100% होगी जब QL हमारे पास जीरो हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो द एफिशिएंसी ऑफ ए परफेक्ट हीट इंजन इज 100%. जब QL जीरो होती है तो एफिशिएंसी 100% होती है. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिनाइज सच इंजन. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि ऐसा परफेक्ट हीट इंजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हीट को फ्लो करवा लें हाई टेम्परेचर से और उसको तमाम जो है वर्क में कन्वर्ट कर लें. कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक में जाएगा. तो ये हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसकी क्लासिस फॉर्म में जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. कि हमारे पास हीट कैसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवा लें विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एनर्जी को यूटिलाइज किए बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ. तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो हमारा कोल्ड चैम्बर है वहाँ से हीट को सराउंडिंग में एक्सपेल करते हैं और उसमें हम एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं. सो फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी. तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करे इटसेल्फ. सो वी हैव टू डू वर्क टू मेक दिस लॉ. अगर हम इस तरह से हीट को फ्लो करवाना चाहते हैं कि वो कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ जाए, तो हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी. क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेट एज देयर आर नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर. और जो हमारे पास इस तरह से हीट फ्लो करती है, रेफ्रिजरेटर्स में हमारे पास होता है कि हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और कोल्ड रिजर्वायर से हम सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को फ्लो करवाते हैं. तो अगर हम एनर्जी यूटिलाइज ना करें तो वो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बन जाते हैं. देर आर नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास कोई परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं है जिसमें हम एनर्जी यूटिलाइज किए बगैर हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवा लें. पहले हमने पढ़ा कि देर आर नो परफेक्ट हीट इंजन, और इसी तरह से देर आर नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर्स. इन परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नो एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड. उसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, एक्सटर्नल वर्क नहीं होता, W हमारे पास जीरो होता है. तो उसमें फिर K हमारे पास क्या है, QL ओवर W, तो कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो ये हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस. इसमें ये W अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो ये जो परफॉर्मेंस है ये इनफिनाइट. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो हीट है उसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर से उठाएं और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ मूव करवाएं. तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा. तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एनर्जी को यूटिलाइज किए बगैर हम हीट को फ्लो नहीं करवा सकते. कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और कोल्ड हमारा जो रिजर्वायर है जो कोल्ड चैम्बर है वहाँ से हीट को हम सराउंडिंग में भेज रहे होते हैं. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा. तो पहले हमने डिस्कस किया कि देर आर नो परफेक्ट हीट इंजन, और अब हमने ये जो स्टेटमेंट पढ़ी देर आर नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और एक ये थी इसकी स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी.
और इसी तरह से ये था हमारे पास जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ रेजर वायर एंड कन्वर्ट दिस हीट इंटायरली इनटू वर्क. ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास है ऐसा हीट इंजन हो कि जिसमें सिंगल आपके पास रेजर वायर है, आप हाई टेम्परेचर रेजर वायर से हीट लें और उसको टोटली हम वर्क में कन्वर्ट करें. तो ये हमारे पास आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स.